पराली पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता का बयान सामने आया है। दिल्ली पंजाब सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है। खुद के गिरेबान में झांके सीएम केजरीवाल। पंजाब में कितनी पराली जलती है इमेज से पता चलता है। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर भी कमल गुप्ता ने जानकारी दी। अब जो भी रजिस्ट्री होगी वो प्रॉपर्टी आईडी में चढ़ जाएगी, उन्होंने कहा। पराली पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा, खुद के गिरबान में झांके सीएम केजरीवाल। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब पर भी निशाना साधा। कहा, पंजाब में कितनी पराली जलती है ये पता चल जाता है। इसके साथ ही प्रॉपर्टी आईडी को लेकर कमल गुप्ता ने जानकारी दी और उन्होंने कहा कि अब जो भी रजिस्ट्री होगी वो प्रॉपर्टी आईडी में चढ़ेगी। देखिए, दो मुद्दों पर कैबिनेट मंत्री जो है अपनी बात रखते नजर आए। डॉक्टर कमल गुप्ता ने पराली पर भी अपनी बात रखी। इसके साथ ही उन्होंने प्रॉपर्टी आईडी को लेकर भी जानकारी दी। जो भी रजिस्ट्री अब होगी वो प्रॉपर्टी आईडी में चढ़ जाएगी। दो विषयों पर अपनी बात रखते हुए डॉक्टर कमल गुप्ता नजर आए। तो प्रॉपर्टी आईडी के साथ साथ पराली का मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर कैबिनेट मंत्री ने अपनी बात रखी। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा, दिल्ली पंजाब सरकार पर निशाना उन्होंने साधा और कहा कि पहले अपने गिरेबान में झांके सीएम अरविंद केजरीवाल। देखिए, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से, आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से कई बार हरियाणा में पॉल्यूशन पर कटाक्ष किया गया है और हरियाणा सरकार को आम आदमी पार्टी जो है वो घेरती हुई नजर आई है। इसी पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पहले दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने गिरेबान में झांके, खुद को देखें, उसके बाद दूसरों पर कटाक्ष करें। तो कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, जिन्होंने ये तमाम बातें पराली के मुद्दे पर कही। इसके साथ ही प्रॉपर्टी आईडी के मुद्दे पर भी अपनी बात रखते नजर आए। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरे देश में सबसे पहले हरियाणा ने किया। हरियाणा ने इसका टेंडर निकाला 2018 में, एग्रीमेंट किया 2019 में और 2023 में इसका डाटा हमें मिला। डाटा को हमने पब्लिसाइज किया, उसमें काफी गलतियां भी आई, हमने उसको स्वीकारा भी। लेकिन जब इसका टेंडर दिया था तो उस समय प्रॉपर्टी थी 30,24,000 और जब ये काम शुरू हुआ तो ये प्रॉपर्टी थी ना, जब ये हमें डाटा मिला, जब उसने काम करके दिया तो ये हो गई 42,67,000 और आज ये प्रॉपर्टियां हो गई हैं 47,35,000। ये मैंने राउंड फिगर बताई है। मैं भी, हमने तीन फेज में 494 कॉलोनियों को रेगुलराइज किया है। पहले फेज में 211, दूसरे में 193, लेकिन हमारी पराली जलने की जो अमाउंट है वो काफी डिक्रीज हुई है, काफी डिक्रीज हुई है। और अभी भी हमें जब पता लगता है हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। हम इसके एडवोकेट बिल्कुल नहीं है। हमने बहुत तरह की हमने छूट भी दी है और जो पराली नहीं जलाते हैं हम उनको 5,000 का या कुछ इंसेंटिव भी देते हैं।